अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेवो की रोशनी। तो मुझे आप सबके साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक हक सच पर खड़ी हूँ और मैं इंसाफ के लिए इस लड़ाई को लड़ूंगी और लड़ रही हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, और मैं हमेशा मजलूम का साथ देती हूँ और जो सच्चा होता है उसका साथ देती हूँ, और मैं उसका साथ देती रहूंगी। कोई भी किसी भी सीट पर बंदा है या उसकी मिसिज के पास पूरे पाकिस्तान का इख्तियार है, तो ऐसी औरतों से ना मैं डरने वाली हूँ ना ही मैं डरूंगी। तो इंशाल्लाह मैंने कुछ चीजें करने के लिए, कुछ काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और मैं बढ़ा रही हूँ, और मुझे उसमें आपकी बहुत सख्त जरूरत है, और मैं सबसे बड़ा वकील करूंगी इंशाल्लाह। इन मामलों को मैं जीतूंगी, जिन लोगों को दबाया जाता है, जिन लोगों को डराया धमकाया जाता है, जिन लोगों को यह कहा जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी, और जो कुछ भी करने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं और गरीब क्या कर सकता है, मजलूम के साथ कब तक और कहां तक जुल्म हो सकता है, और उस जुल्म के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, हक सच के लिए कोई आवाज उठाता है, तो उसके साथ ये लोग क्या करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कभी भी आप सब से कोई अपनी बात, कोई चीज नहीं छुपाई। एक मेरा वो चैनल था जो कि इन लोगों ने बंद करवाया हुआ है, इन्होंने अपने जोर पर, इन्होंने अपनी उन चीजों को इस्तेमाल करके जो कि नजायज हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करके इन्होंने मेरा चैनल बंद करवाया, इन्होंने मेरा फोन वहां पे जोर जबरदस्ती रखवाया हुआ है, ठीक है, जिन चीजों के लिए अब मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को पता चलेगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं की, आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ आप सबको बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर कुछ सीक्रेट रखना होगा, हर चीज को मैं रिवील नहीं कर सकती। और अगर कोई कहे कि ये वकील कर लो, ये वकील कर लो, ये वकील कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कोई मेरी दुश्मन पार्टी का है या फिर मेरी पार्टी का, इसलिए मुझे नहीं पता। तो वकील तो मैं अपनी मर्जी का ही करूंगी और इंशाल्लाह अच्छा करूंगी, जो इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाए और जो जुल्म को रोके और जो बताए कि गरीब क्या कर सकता है, और जो इन लोगों को जो हरासमेंट करते हैं और जो अपने ओहदे का नजायज फायदा उठाते हैं, इन लोगों को कैफिये करदार तक पहुंचाए इंशाल्लाह। तो मैंने उसके लिए अपने कदम जो है आगे बढ़ाए हैं, और इंशाल्लाह ये बढ़ते जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। अगर मेरी जिंदगी रही, अगर मेरी गिरफ्तारी ना हुई, तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि हक सच क्या होता है, और हक सच के ऊपर जो खड़े होते हैं उनको कौन इंसाफ यहाँ देने वाला है या फिर कौन इंसाफ देगा, वो मैं लेकर ही रहूंगी इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो जिन लोगों ने गलत चीज को प्रमोट किया, उन लोगों को कैफिये करदार तक मैं पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। और ये मेरी आवाज, और मैं ऐसे ही रहूंगी, कभी भी मैं नहीं डोलूंगी, बेशक मुझे जेल क्यों ना हो जाए, मैं नहीं रुकने वाली, मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ चुकी हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूंगी, और मैं कहाँ तक जा चुकी हूँ वो इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले दिनों में पता चलेगा और जरूर चलेगा। और वो मेरे चैनल पे मैं ना भी हुई तो आप लोगों को कुछ चीजें मेरे चैनल पे बताई जाएंगी और दिखाई जाएगी और सिखाया जाएगा कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या इस जुल्म को रोकने वाला कोई है या फिर नहीं है। तो इसके लिए मुझे आपकी सख्त सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मेरे माली हालात ठीक नहीं है। मेरे जो चैनल थे दोनों, इससे मैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करती थी जो कि अभी भी मुथाजगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक कभी भी किसी को मुथाज ना करे। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस केस लड़ने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, बाकी मैंने सबको जवाब दे दिया। मैंने कहा जब तक मैं इस मामले में हूँ, आप लोग अपना अपना देखो, इस चैनल से जो अर्निंग आएगी वो आप लोग लेते रहो, मैं अपना खुद करूंगी और खुद देखूंगी। और मुझे वकील के लिए आप सबसे पैसे चाहिए तो प्लीज, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें जो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ना भी डाले ना तो भी मैंने नहीं रुकना। मुझे अपना घर बेचना पड़े, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, मुझे अपना आप बेचना पड़े, मैं इन लोगों को, जालिमों को कैफे करदार तक इंशाल्लाह बचा के रहूंगी, भले कुछ भी हो जाए, मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, दिल चाहे तो कुछ डालना, ना दिल चाहे तो ना डालना, और इनके साथ मैं दो दो हाथ करके ही रुकूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं ये वीडियो नहीं डालना चाहती थी, लेकिन आगे मामलात मेरी पहुंच से ज्यादा है। आप लोगों को पता है कोई किसी के लिए फ्री में नहीं उठता, फ्री में नहीं खड़ा होता,
हर जगह पर पैसा लगता है और अभी तक मैं काफी लगा चुकी हूँ, बहुत लगा चुकी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी और मैं इस चीज से नहीं रुकूंगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बेच दूंगी और इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहूंगी और मैं उन छोटे चैनल वाले बड़े चैनल वाले सबको बताऊंगी कि आपके साथ ऐसे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकता। तो आप जो आपकी मर्जी आप लोग वो कीजिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है तो थैंक यू सो मच, नहीं करनी तो भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आगे बढ़ें और मुझे आगे बढ़ाएं, आप मेरी हिम्मत हैं, आप मेरा हौसला हैं और आप मेरे साथ खड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।